अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी यूके में स्टूडेंट या जो भी है यूके में और 200 पाउंड कमा रहे हैं, वो भी इजी वे में, जस्ट अपने बैंक को जो है ना दूसरे बैंक में स्विच करना है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन विद इन 1 वीक 200 पाउंड मिल गए। तो स्टे ट्यून्ड विद मी और पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। द प्रोसेस क्वाइट सिंपल। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, नेटवेस्ट ऑफिशियल जो नेटवेस्ट बैंक है उसके वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास पुराना जो भी बैंक है उसकी डिटेल यहाँ पे पुट करना है, और आपने जो है ना स्विच ऑफर पे जो भी जो मैं स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा हूँ उस स्विच ऑफर पे क्लिक करके स्विच करने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, तो कुछ दिन बाद विद इन 1 वीक आप लोग का डेबिट कार्ड वगैरह आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आप लोग का डेबिट कार्ड आ जाए, अकाउंट स्विच हो जाएगा विद इन 4-5 डेज, तो फिर इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1250 पाउंड उसमें डिपॉजिट करना है 24 आवर के लिए। आप डिपॉजिट करेंगे 24 आवर जब पूरे हो जाए, इसके बाद आप विड्रा भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 24 आवर मैंने फंड इसमें डिपॉजिट कर दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तो 3 घंटे बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे 200 पाउंड स्विच ऑफर का जो रिवार्ड्स था वो मिल गया। तो इस तरह आप लोग भी इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल है तो आप कर ले, इसमें फ़ायदा होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो भी अगर आपके पास पुराना बैंक है तो उसको स्विच कर दें नेटवेस पे, पर ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो जितना जल्दी पॉसिबल है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें और मैनेज कर दें। अगर आपके पास ये फंड्स नहीं है तो आप फंड अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं 24 आवर के लिए, फिर इसके बाद आप जो है ना इंजॉय करें, 200 पाउंड मिल जाए। तो थम्स अप फॉर मी एंड मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और पर्सनली मैंने इसका एप्लीकेशन भी यूज़ किया, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत न्यू फीचर है इसमें। तो अगर कमाना है और ईजी वे में 200 पाउंड कमाना है तो इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करें और अपना अकाउंट स्विच कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।